हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता, मास्टर इंजीनियर बुक का पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमारा चैप्टर चला लुप्त पदों को भरना, ठीक है। इसके 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं हम, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कम्प्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। दोस्तों, अगर पहली वीडियो हम नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने अच्छे से समझा दिया था बिल्कुल बेसिक क्लास में भी। दोस्तों, 19.1 और 19.2 दो एक्सरसाइज है। 19.1 हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप कहोगे तो मैं 19.2 भी करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो आप कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा अंतर है नहीं। दोस्तों, अगर आप कहोगे तो मैं उसको भी 19.2 एक्सरसाइज को भी करा दूंगा। फिर उसके बाद हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। दोस्तों, आप परेशान बहुत हो, ठीक है। बहुत स्टूडेंट कमेंट आता है कि सर वो चैप्टर कंप्लीट करा दो, वो चैप्टर कंप्लीट करा दो। दोस्तों, आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैथ भी आपने देखा होगा, मेरा छोटा भाई पढ़ाता है मैथ भी, मैं मैथ खुद से पढ़ाता, ठीक है। इसलिए तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको मैथ दिया कि यार मैथ तू कवर करा दे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं। तो दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखा करो, ठीक है। आपकी रीजनिंग की बुक में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक महीने में कंप्लीट करा सकता हूँ एक कोई सी भी बुक, ठीक है। अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं एक महीने में आर एस अग्रवाल की बुक लाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग क्या आती है उसको कंप्लीट करा दूंगा, अगर बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा तब। दोस्तों, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, जितनी पहली क्लास है सभी देख लीजिए, ठीक है। वैसे तो मैं कोर्स कवर ही कर चुके हैं अपन, कुछ ही रह गया है, उसको भी जल्दी ही कर लेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बहुत आसान है और बहुत अच्छे से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2013 में, ठीक है। यहां देखेंगे एसएससी सीपीओ 2013 में। दोस्तों, तो ये 2013 क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने लगा लिया होगा। हमने पहली सभी वीडियो देखी हैं तो आपको लग गया होगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया था हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन हो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन करा देता हूं मैं, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं, क्या करना है इसमें आपको पता चल गया होगा, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपने अगर यहाँ पर निगाह डाली है अपने चारों ऑप्शन पर तो आपको पता चल गया होगा। आपको क्या पता चल गया होगा, क्योंकि इतना तो यार अनुमान हो जाना चाहिए जब हम इतने टाइम से चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपको लगा होगा सर इधर की तरफ से चले होंगे, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 22, 22 के बाद 39, फिर 39 के बाद कोई संख्या यहाँ पर आई होगी, इसीलिए ये कैसे पता करा हमने, ऑप्शन को देखकर, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन सीरीज भी दे सकता था आपको, ये क्वेश्चन जो है सीरीज की तरह ही होते हैं, जैसे सीरीज वाला चैप्टर है, वो बच्चे बहुत कहते थे कि सर सीरीज वाला चैप्टर करा दो, बिल्कुल उसी की तरह है, ये सीरीज ही तो है। दोस्तों, देखो मैं सीरीज बना देता हूँ, मैं इधर से चला 5, 5 के बाद फिर 8, फिर 8 के बाद दोस्तों क्या आया 13, फिर 13 के बाद क्या आया 22, 22 के बाद क्या आया 39, और दोस्तों मुझसे बोलिए यहाँ पर क्या आएगा, बताओ। ये सीरीज नहीं है, ये भी तो सीरीज है, ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन का डिजाइन चेंज कर सकता है, बस क्वेश्चन का रूप चेंज कर सकता है। आपको सब तरीके आने चाहिए यार, कैसे भी कर दे हम कर देंगे, क्योंकि हम सब चीज सीखे हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने देखा 5 से 8 हुआ, तो 5 से 8 कैसे हुआ, आप कहोगे सर हम तो सीरीज में करते हैं ऐसे, 3 ऐड हुआ, ठीक है। मैंने कहा 8 से 13 हुआ कैसे हुआ, आप कहोगे सर 5 ऐड हुआ, पहले 3 ऐड हुआ फिर 5 ऐड हुआ। फिर मैंने कहा 13 से 22 हुआ कितना ऐड हुआ, आप कहो सर 9। मैं कहूँगा 22 से इतना हुआ कितना ऐड हुआ, आप कहोगे सर 17। तो अगर आपने सीरीज चैप्टर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, अब यहाँ पर कितना ऐड होगा, तो आपने कहा सर ये पहले 3 ऐड हुआ फिर 5 ऐड हुआ फिर 9 ऐड हुआ फिर 17 ऐड हुआ। क्या आपके दिमाग में कोई मोटी सी बात नहीं आ रही, आपको सर बिल्कुल आ रही है। इसका 2 गुना 3 का 2 गुना 6 माइनस 1 मतलब 5 ऐड हो गया, फिर आगे फिर 5 का 2 गुना 10 माइनस 1 मतलब फिर 9 ऐड हो गया।
दोस्तों फिर 9 का 2 गुना कितना होता है 18, 18 में से 1 माइनस करा फिर 17 ऐड हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, 17 का 2 गुना 34 माइनस 1 मतलब 33 ऐड यहाँ पर मैं करूँगा। दोस्तों क्लियर है ना, 33 ऐड करूँगा या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल करेंगे। तो 33 और 39 कितने हो गए, 9 3 12 12 का 2 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल का 7। दोस्तों कितना आंसर हो गया मेरा, 72। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को हुई, कोई दिक्कत हुई तो बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस की बात होती है, सब चैप्टर क्लियर पढ़ लेंगे हम फिर कहीं हमको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी तो सीरीज का क्वेश्चन है, बस इसका स्वरूप चेंज कर दिया उसने, रूप चेंज कर दिया है बस, तो कुछ भी कर दे भाई, हमको सब पता है, हम सारे तरीके जानते हैं। दोस्तों ये यूपी बीएड 2012 में पूछो क्वेश्चन है, ठीक है। हमें यहाँ पर बताना है इस खाने के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर क्या आएगा। दोस्तों आप कहोगे बता सकते हैं, मैंने कहा कैसे बताओगे, दोस्तों गाड़ी बहुत आती है, एक बीच में डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है, चलो कोई नहीं, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोस्तों यहाँ देखोगे, आप कहोगे सर आपने कहा था, हमने इन चार ऑप्शन पे निगाह मारी तो हमको पता चल गया सबसे छोटी संख्या से चले होंगे, फिर इधर की तरफ, फिर इधर की तरफ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इस तरीके से यहाँ पर आए होंगे, इतना तो सीख गए, आप कहोगे सर बिल्कुल सीख गए। तो क्या सीख गए तुम, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, वरना आपको सीरीज बनाकर बता देता हूँ, ठीक है। पहला 18 था, फिर उसके बाद 60, क्योंकि ऐसे चले ना, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 186, फिर 564, फिर 1698, फिर बताना मुझे यहाँ पर क्या आएगा। दोस्तों क्या बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, हाँ कोर्स से बिल्कुल आसान है, जिसने सीरीज पढ़ी है उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, और तुम्हारे लिए भी दिक्कत नहीं है, सीरीज भी पढ़ाऊंगा मैं और इस चैप्टर को तो पढ़ा ही रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने क्या देखा यहाँ पे, आप कहोगे सर 18 से 60 हुआ है, 18 से फिर क्या हुआ 60 हुआ, मतलब सर 18 का 3 गुना 18 3 54 + 6 मतलब 60 ऐसे करा इसने, इसने क्या करा, इसका 3 गुना कर दिया, इसका 3 गुना कर दिया, 18 3 54 + कितना जोड़ दिया 6 जोड़ दिया, 18 3 54 + 6 कितना हो गया 60 दोस्तों, ठीक है। फिर ये 186 जो बनाएंगे, फिर इससे बनाएंगे 60 का 3 गुना 60 × 3 6 3 18 + 6 6 3 18 180 + 6 186, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 से 60 बना दिया, 60 से 186 बना दिया, अब 186 से मैं 564 बनाऊंगा, तो 186 564 कैसे बनाऊंगा, आप कहो सर इसका तीन गुना + 6 = 564, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो रूल आपके समझ में क्लियरली आ गया, तो मैं यहाँ से बताना मुझको, तो मैं क्या करूँगा इसका क्या करूँगा मैं 3 गुना + क्या कर दूंगा 6 कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखो, चलो मिटा देता हूँ, क्या था इसका 3 गुना, ये रूल तो था हमारा + 6 दोस्तों, जब इसका 3 गुना कितना हो गया दोस्तों, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, आप क्लियरली बता सकते हो, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा, क्या आंसर आ गया बताओ, क्लियर है कि नहीं, क्या आंसर आ गया 5100, ठीक है दोस्तों, क्या जाएगा 5100, गुणा कर सकते हो, इतना तो आप लोगों से सभी से आता ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, ज़रूर से बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपसे बार बार कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप भी सोचते हो सर बार बार कहते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38, क्वेश्चन नंबर 38 भी आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कैसे इसमें लॉजिक लगाना है।
क्योंकि दोस्तों आपको सभी लॉजिक आने चाहिए यार, सभी तरीके आपको आएंगे जब भी आपको पता चलेगा और जब ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, आपको कहाँ से चलना है? आप कहोगे सर आपने बता दिया है सीरीज की तरह क्वेश्चन होते हैं ये, ऐसे कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों कभी कभी इसमें, क्योंकि हमको सभी रूल आने चाहिए, मैंने आपको जब चैप्टर शुरू ही किया था तो आपने देखा होगा वहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था, ठीक है, क्या मैंने आपको कुछ बताया था और आपने ध्यान से देखा होगा, तो क्योंकि कभी कभी आमने सामने वालों में रूल लग जाता है, इनमें रूल लग जाता है, फिर दोस्तों यहाँ पर रूल लग जाता है, तो यहाँ का आंसर हम निकाल सकते हैं। दिमाग में हमारे सभी लॉजिक होने चाहिए, दिमाग में सभी लॉजिक आपके फिट होने चाहिए कि यार कहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का कुछ नहीं पता, क्वेश्चन का स्वरूप कैसे दे दे वो, क्या उसके दिमाग में चलेगा। तो दोस्तों हमको सभी तरीके आने चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, क्या इस तरीके से कोई बात बन सकती है, 5 की गुणा 4 से करके 5 चौक 20 प्लस 2 22 हो गया, क्या 3 चौक 12 1 13 यहाँ पर वो बात नहीं बन रही, ठीक है, यहाँ पर 14 होता तो वो बात बन जाती, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको सीरीज से बताया है, आपको सर 3 5 8 13 और 22, ठीक है दोस्तों, तो ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर साफ दिखाई दे रहा है। आपके दिमाग में एक बात ये भी आ जाएगी कि सर जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था 3 प्लस 2, यहाँ 2 ऐड हो गया, यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 3 ऐड हो गया, फिर यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया, यहाँ पे कितना ऐड हो गया, 9 ऐड हो गया, तो आपको कुछ कैसा लग रहा है, यहाँ पे 1 का अंतर है या 2 का कुछ लग रहा है क्या आपको? आपको सर बिल्कुल लग रहा है, मैं कहूँगा क्या लग रहा है आपको सर, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया था इसका 2 गुना -1 जुड़ा है, ठीक है, इसका 2 गुना 2 का 2 गुना 4 -1 मतलब फिर 3 जुड़ा है, आगे फिर 3 का 2 गुना 6 -1 मतलब फिर 5 जुड़ गया है, फिर आपको सर 5 का 2 गुना 10 -1 9 जुड़ गया है, सर अब 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 -1 17 जुड़ा जाएगा। अब आप ये तो कहोगे सर आगे क्या जोड़ा जाएगा, 17 जोड़ा जाएगा, दोस्तों 22 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 39, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, आपको सर कोई भी दिक्कत नहीं है, तो पहले क्वेश्चन की तरह था दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बस समझने की कोशिश किया करो, ठीक है, समझने की कोशिश किया करो। तो दोस्तों अगर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, वहाँ पर जाकर मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, चाहे मुझको वीडियो कॉल क्यों ना करनी पड़ जाए आपको, पर मैं आपको समझा कर रहूँगा दोस्तों, ठीक है, पर मुझे लगता नहीं कहीं भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसने कह दिया आपसे, आपने देखा होगा बच्चे भी बहुत मजाक करते हैं, जैसे आपसे बोल देते हैं 2 प्लस 3 बराबर 1, बताओ कैसा आया 1, 2 प्लस 3 बराबर तो 5 होता है, बताओ 1 कैसा आ गया। दोस्तों तो ये रीजनिंग है, ठीक है, रीजनिंग के लेवल से हमको सोचना है, मतलब अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि यार ये क्या करा गया है इसमें, ऐसा नहीं है सर 2 और 3 तो 5 होते हैं, 1 कैसे लिख दिया, इसने तो गलत कर दिया, दोस्तों ये कुछ नहीं, ठीक है, ये रीजनिंग है और हमको देखना होगा यार इसने ये 1 कैसे बनाया। तो आपका दिमाग बहुत तेज है, मुझे पहले से ही पता है, तो आप कहोगे सर इसने क्या करा, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 3 दूनी 6, फिर इसमें से घटा दिया इन दोनों को जोड़कर 3 और 2 5, तो हमारा 1 आ गया, ये लॉजिक लगाया इसने, हमने पकड़ लिया, आपको सर बहुत आसान था ये तो। फिर आगे देखा हमने, आपको सर ये 23 जो बना है, क्योंकि 5 प्लस 7 बराबर इसने 23 लिखा है, जबकि 5 प्लस 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो आप कहोगे सर हमने लॉजिक पकड़ लिया, इसने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 7 5 35 माइनस, फिर इन दोनों को जोड़कर इसमें घटा दिया 7 5 12, 12 इसमें से घटाया कितना बचा 23, तो आपके तो लॉजिक समझ में आ गया। आप कहोगे सर आगे भी इसने ऐसा करा, 9 3 27
माइनस, फिर इनने इन दोनों को जोड़ा, 9 3 12, 12 माइनस कर दिया कितना आ गया, 15 आ गया। तो आप कहोगे सर आगे भी यही करेंगे, 4 की और 8 की मल्टीप्लाई करी, 8 चौक 32 माइनस, इसने 8 4 कितने 12 को घटा दिया, कितना बचा, 20 बचा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या देखा हमने, पहले तो तीन दिए हों, 2 दिए हों 4 दिए हों, सब पर एक बार निगाह मार ली और आपने कहा सर इसने पूछा बीच में क्या आएगा यहाँ पर, तो मैंने कहा आपको पता होना चाहिए, फिर जब भी ऐसा पूछे तो आपको निगाह जानी चाहिए यार बीच वाली संख्या, ये पहले इसे देख लेते हैं ये 60 कैसा आया, क्या इन सबको आपस में मिलाकर 60 आया हो गया, तो हम ऐसे ही करेंगे इन सबको मिला देंगे बीच वाली संख्या निकाल देंगे। तो आप क्या कहोगे सर, आप क्योंकि इतना आसान था डायरेक्ट देखते पहचान लोगे, आप सर इसकी इसकी और इसकी और इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, 5 चौक 20 वित्तीय 60 और 60 की गुणा 1 से करेंगे तो 60 ही रहेगा दोस्तों, तो क्या हो गया हमारा 60। दोस्तों कैसा है हमारा 60, ये बीच वाली संख्या कैसा है हमारी बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके, क्लियर है, आप कहोगे सर क्लियर है। मैंने कहा आगे देखते हैं, 6 दुनी 12 12 की गुणा 1 से करी 12 12 7 84 आपने कहा सर यहाँ भी निकल आया, इसका तो मतलब क्लियर है यहाँ भी हम आंसर कैसे निकालेंगे, इन बाहर वालों की मल्टीप्लाई करके। दोस्तों बाहर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 तिया 30 30 की गुणा 1 से करी 30 ही रहेगा, 30 तिया 90 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत हुई, बहुत आसान क्वेश्चन थे यार, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस की बात है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, क्या है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा सर ये 9 था, यहाँ 81 है और यहाँ पर 729 है। अगर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हो ना, थोड़े से भी पढ़े लिखे हो, 8वीं 9वीं 10वीं आपने ठीक से किए है, तो आपको पता होगा सर ये तो इसका 9 का वर्ग होता है और ये घन होता है। ठीक है, आपको क्लियर पता चल गया, इसका 9 का ये वर्ग है और ये घन है। तो आपने आगे देखा सर ऐसे ही 8 का ये वर्ग है और ये घन है, इसी प्रकार आपने कहा सर ये 7 का वर्ग है तो यहाँ पर 7 का घन आएगा, तो 7 का घन कितना होता है, 7 का घन कितना होता है, आप कहोगे सर 343। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42, इस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी ही किया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने अभी किया है, आपको क्या बताना है, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है यहाँ पर 38 किस तरीके से बना है, 32 किस तरीके से बना है, 44 किस तरीके से बना है। ठीक है, पहले हम इनको चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा आपका थोड़ा सा यार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप ऐसे ही करोगे तो, सोचने में बस प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आपकी तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आपने देखा सर 18 और 17 कितना हो गए, 18 दून 36 होते हैं और 1 माइनस मतलब 35 35 9 कितने हो जाते हैं दोस्तों, 35 9 कितने हो गए, आप कहोगे सर 44 कितने हो गए, 44 आप कहोगे सर 44 हो रहे हैं। तो हमने ये क्या करा, ये वाला माइनस कर दिया तो कितने बचे, 38 बचे। दोस्तों रूल समझ में आ गया, आप कहोगे सर कैसे,
मैंने कहा इस कॉलम को और इस कॉलम को जोड़ो, इन तीनों कॉलम को एक जगह जोड़ लो, ठीक है, कितना आ गया 44, और फिर इस वाले कॉलम को इसमें से घटा दो, कितना आ गया 38 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई क्या, ये आगे भी रूल फॉलो कर रहा है? आप को सर चेक करो, मैंने कहा इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, क्योंकि हम इधर की साइड जोड़ रहे थे, और इसको हमें माइनस करना है, तो आप कहो सर इन तीनों 11 दुनी 22 और 19 हो गए कितने 41, इसमें से माइनस कितना करना 9 करना है। सर बिल्कुल ठीक है, 32 बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी चेक करेंगे, आपने इसको जोड़ा दोस्तों, कितना हो गया आप कहोगे सर 47, और फिर क्या करना था, इसको माइनस करना था दोस्तों, इसको माइनस किया तो कितना बचेगा 44, या आ गया बीच वाला। दोस्तों यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, बताओ आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, मैंने कहा बताओ, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ा और इसको जोड़ा कितना हो गए 12 8 20 और 9 29, माइनस इसको करना था तो यहाँ पर कितना बचा 9। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखते तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि यार इसमें करना क्या है, ठीक है। आप कहोगे सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो ये इस खाने वाला आ गया, क्लियर है दोस्तों? क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तब तो 4 5 20 ये आ गया, आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ा तो फिर ये नाइन आ गया। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक, आगे भी चेक कर लेते हैं। आप कहोगे सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तब ये आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तब ये आ गया, तो क्लियर है बिल्कुल। दोस्तों हमें ये वाला बताना है, तो यहाँ जो आ रही है संख्या वो किस तरीके से आ रही है, मल्टीप्लाई करके 7 8 56 दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, आईबी में पूछो क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, शायद बिल्कुल यही क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था दोस्तों, मुझे लगता है यही क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है, बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, फिर भी दोबारा करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था आपसे एक पंक्ति देख लो पहले, इसमें क्या रूल लग रहा है, फिर अगर पंक्ति में कोई रूल आपके नज़र नहीं आए तो फिर एक बार कॉलम चेक कर लो बस, और कुछ नहीं करना, आपको रूल आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो मैंने पंक्ति चेक करी, मैंने यहाँ पर देखा 17 8 5 और 5, ये किस तरीके से इन्हें मैनेज करूँ, तो मेरे नज़र यहाँ पर पड़ी कि 17 और 8 कितना हो गए 8 7 15 मतलब 25, इनको मैंने जोड़ा कितना हो गया 25, और मैंने इस 5 से भाग कर दिया इस वाले 5 से, तो ये मुझको ये वाली यहाँ की संख्या मिल गई दोस्तों, यहाँ वाली मिल गई, क्लियर है? कैसे मिली, इन दोनों को जोड़ा कितने हो गए 25, और इससे मैंने इससे भाग करा 5, कितना आ गया 5, ये कौन सा 5 मिला मुझको, ये वाला 5, ठीक है। आगे देखते हैं क्या सभी में फॉलो होगा, आपको सर इन दो को जोड़ना है, 13 7 कितना हो गए 20, और इससे हमें भाग करनी है 5 4 20, तो हमको ये वाली संख्या मिल रही है, तो हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ चेक कर सकते हो 12 6 कितना होगा 18, फिर इससे डिवाइड करा कितनी बार 3 बार, तो ये हमको मिल गया दोस्तों। आगे आप यहाँ देखोगे 10 8 6 कितना हो गए 16, किससे डिवाइड करना है 4 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखो ये टाइप भी,
आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताओ इसमें क्या रूल लगाऊं मैं, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिस किए हो ना आप, अगर आप पहले अगर पहली बार पढ़ लो तो आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जब पहली बार देखते हैं तो हमको कुछ अजीब सा लगता है, ठीक है, हमारे कुछ समझ में नहीं आता, और वही चीज़ आप दोबारा देखते हो तो हमको पता होता है कि यार इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली बार है, टेंशन मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए, दोबारा आपके सामने आएगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे दोस्तों। तो कैसे, आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी, सर 12 था ये 14 था, ये 12 है ये 14 है, मतलब सर अगर 14 की जगह 7 होता, 14 की जगह 7 रहा होता, इसका आधा रहा होता, 14 की जगह इस 14 की जगह इसका आधा 7 रहा होता, तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता 12×7=84, मुझे ये मिल जाता। मैंने कहा ठीक है चलो आधा रख लेते हैं तुम्हारे कहने से। आप कहो सर ऐसे ही ये जो संख्या यहाँ पर है इसका यहाँ पर आधा 9 होता तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता तो मुझे ये मिल जाता 81, ठीक है? रूल बिल्कुल फॉलो कर रहा है या नहीं, मतलब इसके यहाँ जो संख्या है उसके आधे से जो गुणा करते हैं इसकी इसकी गुणा करते हैं दोस्तों तो हमें ये मिल जाता है, ठीक है? आप समझ गए होंगे, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो आपने यहाँ भी देखा दोस्तों इस 9 की गुणा किससे करी, इसके आधे से, इसका आधा कितना था 9, तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा 11 की गुणा मैं किससे करूं जो 88 हो जाए, तो 11 का टेबल तो सभी को याद होता है, 11×88, ठीक है, 11×88। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर 8 से करी गुणा तो यहाँ पर कितना रहा होगा, आप कहोगे सर 16 रहा होगा क्योंकि आधे से गुणा कर रहे थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आसान क्वेश्चन थे और बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। आप लोग तो वीडियो नहीं देखते यार, वीडियो नहीं देखोगे तो यार क्या मजा आता है वीडियो बनाने में, ठीक है, मेहनत सारी बेकार जाती है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता वीडियो का। तो दोस्तों आगे से ध्यान रखा करो यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो, और आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को फिर लाइक भी नहीं करते और चले आते हो ऐसे ही ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।